निर्वाचन की माहौल होता है तो जैसे होने से भी मनोज भाई हमारे बीच पहुंच ही जाता है। आज भी दुमदुमा में भारी मात्रा में लोगों के साथ एक रैली किए, उसका बाद तिनसुकिया पहुंच करके आप लोगों को संबोधन करेंगे। कल भी एक बड़ा रैली किया गया, उसके लिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कल करीबन 20,000 लोग अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रैली हुआ ऐतिहासिक रैली, उसमें आप लोगों की योगदान, आप लोगों की सहयोग से तिनसुकिया में एक इतिहास रचना हुआ जो कि पूरे जात धर्म के लोग, पूरे जाति जनगोष्ठी के लोग सड़क पे आते हुए अमित शाह जी को आशीर्वाद दिए, मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिए और भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, ये महान शक्ति को सभी ने प्रदर्शन किए और इसलिए भी मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की आशीर्वाद से दिल्ली में जो सरकार है, एक शक्तिशाली सरकार, बीजेपी सरकार, और ये बीजेपी सरकार की जो मंत्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये विश्व की एक शक्तिशाली नेता है और उनकी जो बलिष्ठ कैजकर के जीत जरिए भारत वर्ष को विश्व की ऊंचाई पे ले जाने में सक्षम हुए हैं और इस बार फिर से तीसरा बार के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। इस बार जो आप जो वोट देंगे, आप लोगों ने जो 19 तारीख को वोट देने जा रहे हैं, ये वोट के जरिए प्रधानमंत्री जी तीसरा बार के लिए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है आप लोगों के आशीर्वाद से। और आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार के लिए प्रधानमंत्री बनते ही ये जो भारत राष्ट्र है, ये राष्ट्र विश्व की एक नंबर राष्ट्र की प्रतिष्ठा लाभ करेगा, ये भी तय हो चुका है। और ये आप लोगों का ये जो वोट होगा इस बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है देश को प्रगति की ओर ले जाने में। साथ ही साथ हम भाग्यशाली हैं कि इस बार जो हमें लोकसभा के प्रार्थी मिले हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी, सर्बानंद सोनोवाल जी पहले ही मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी को भी सफल पूर्वक निभाए हैं और केंद्र में मंत्री का भी खूब सफल पूर्वक अपना जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे भारत वर्ष में उनका अपना पहचान बना चुका है। और इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो डिब्रूगढ़ लोकसभा है, ये लोकसभा पे इस बार हम सर्बानंद सोनोवाल जी को करीबन 5,00,000 से भी ज्यादा वोट से जीता करके दिल्ली भेजेंगे, ये तय हो चुका है। और तय ये भी हो चुका है कि सर्बानंद सोनोवाल जी दिल्ली जाएंगे और एक शक्तिशाली मंत्री के हिसाब से शपथ भी ग्रहण करेंगे, ये भी तय हो चुका है आप लोगों के आशीर्वाद से। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी की जो दिनों रात असम में बसे हुए
सभी जाति जनगोष्ठी सभी धर्मों को लोगों को साथ में लेते हुए असम की प्रगति को ऊंचा स्तर पर ले जाने के लिए दिनों रात अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं और उसी के कारण आज हम सभी जाति जनगोष्ठी के लोग हम शांति से इस असम पे हम रह रहे हैं। अगर हम देखें कांग्रेस के समय पे पिछले 15 साल के पहले ये जो असम के जो हाल था वो आप सभी को पूरा मालूम है, किस ढंग से हम लोग जी रहे थे। एक भाई और असंख्या के बीच हमें जिंदा रहना पड़ता था और हम घर से निकलते थे तो सोचना पड़ता था कि हम कैसे निकले। सड़क कम बंद हो जाता था, कब वो आंदोलन खड़ा हो जाता था, ऐसे बीच हम जिंदा रह रहे थे। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार जब से आए असम में पूरे शांति है और हम सब जात धर्म के लोग एक साथ समन्वय के जरिए हम असम को प्रगति के ओर आगे ले जाने में सक्षम हुए हैं। और इसीलिए अभी जो इस बार जो कांग्रेस है, कांग्रेस बिल्कुल हमारे तिनसुकिया में तो है ही नहीं और इस लोकसभा में भी है ही नहीं। आपको इस बार कांग्रेस का जो हाथ का छापा था वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि उन्होंने काफी जो घुटला किए, काफी जो विषघात किए, लोगों को अधिकार को जो छीन करके ले गए, उसी के कारण समाज ने बिल्कुल ही कांग्रेस को अभी दूर दूर से नहीं देखने जैसा एक परिस्थिति पूरे भारत के साथ असम तथा तिनसुकिया में भी बन चुका है। और इसलिए हम आशा करते हैं कि पिछले जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में हम लोग 70% और 80% तक हमें वोट मिला था हर एक एरिया से। इस बार हम आशा करते हैं कि यह परसेंटेज बढ़ जाएगा और कम से कम 80 से लेकर के 90% तक ये परसेंट हमें मिलेगा, ये हमारे पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि मनीष भाई साहब भी आए हैं आप लोगों की अनुरोध करने के लिए, तो आए हम एक साथ मिल करके देश को प्रगति के लिए ले जाने के लिए, भारत को विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब में निर्माण करने के लिए हम एक साथ काम करें। यही आशा के साथ आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरा शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मनोज तिवारी। धन्यवाद, नमस्कार।